चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर, जहां सरकार कानून की व्यवस्था लाचार होती दिख रही है। मामला रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत का है, जहां उपयंत्री सुरेंद्र मिश्रा के द्वारा अपने भतीजे का बेंडर बनवाकर लाखों रुपए का बंदर बांट एक ही दिन में कर देते हैं। आपको बता दें कि जनपद पंचायत हनुमना में भतीजे को वेंडर रजिस्ट्रेशन करा के करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हनुमना को लिखित शिकायत में यह बताया गया है कि जनपद पंचायत अंतर्गत पिपराही एवं हाटा सीएफटी के दर्जनों ग्राम पंचायतों में अमित मिश्रा ट्रेडर्स, परम सुख ट्रेडर्स एवं ओम ट्रेडर्स को वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अमित मिश्रा ट्रेडर्स का नाम का फर्म संचालक ग्राम पंचायतों में वर्तमान उपयंत्री सुरेंद्र मिश्रा के सगे भतीजे हैं, वहीं पे परम सुख ट्रेडर्स भी उपयंत्री का नौकर होना बताया गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। एक शिकायत आई है, शिकायत में ये कहा गया है कि कोई वेंडर है जो काम कर रहे हैं, रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, ऐसे वेंडर को भुगतान किया गया है, तो उसकी हम जांच करा रहे हैं। उस जांच में हमने सविंजर से भी जवाब मांगा है, WO से भी जवाब मांगा है, और जो तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे पास आएगी तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पहले भी तो नाम आते रहे, खबरें चलती रही, तो ये आज तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं, मेरे पास तो पहली बार शिकायत आई है। तो सर, पहले से तो जानकारी रही होगी कि इनके नाम से वेंडर? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। लगभग सर ये बोला जा रहा है कि ऐसा जब जांच में आया जाएगा तो जो समुचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।